बारी बारी से ऐसे मुर्गियों के डर से मैं मुर्गियां नीचे भेज दूं। एज यूजुअल ज़ैनब पापा से डांट खाते हैं। और मुझे लग रहा है हमने ये ट्रिप प्लान से इसलिए किया ताकि यहाँ के ज़ैनब डांट खा सके। ये बड़ा चलाक है, मैं देखना जहाँ जहाँ चल रही हूँ मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हाय दे इसको क्या हो गया, डू यू टर्किश, आर यू टर्किश। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. We are in Turkey और अभी आप लोगों को जैसा कि बताया था मैंने अपने previous vlog में कि हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर market explore करने, खाना खाने, dinner करने। और जिसने अभी तक मेरा पिछला vlog नहीं देखा है तो please जाकर देख लें, इससे पिछली वाली video में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे हम मैंने आपको room tour कराया, hotel, everything आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी मेरी बहनें रेडी हो रही है, जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इवन लाहौर से ज़्यादा यहाँ टर्की में ठंड है, तो हम लोग को उस लिहाज से पैक होकर जाना पड़ेगा। और मेरी जो बहनें हैं यहाँ पे As you guys can see, रेडी हो रही हैं, सब रेडी हो रही हैं। तुम्हें पता है मेरे पास एक स्पेशल सॉक्स है, डबल जैसी होती है ना ब्लैंकेट काइंड, इतनी मज़े की मैंने वो पहनूंगी और मुझे ठंड नहीं लगेगी। मैंने एक पाँव में दो पहनी थी ना, अब मैं एक पाँव में एक पहनूंगी और दूसरे पाँव में। सब पैक हो रहे हैं इस टाइम सब, और सिर्फ मामा का वेट हो रहा है, पापा वहाँ वेट कर रहे हैं, राबे यहाँ रेडी हो रही है, फातिमा यहाँ रेडी हो रही है, मतलब यहाँ पे रात इतनी रात को टेंट्स लगाए जा रहे हैं, मैंने भी लगाए हैं। सो मैं किसी को कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली आपका मूड रेड हो जाता है पता, क्योंकि ठंड है ना। हाँ जी, एक्स्ट्रा वाली ठंड है। और यहाँ पे जो हमने दोपहर में खाना खाया था वो उसका सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन इसमें से अब मोस्टली वही है जो फेंकने वाला कचरा, खाना वाना तो कुछ भी नहीं है। चले मैं तो अपना शूज़ चेंज करूँगी, ये तो नहीं चलेंगे भाई, ये तो मुझे दो मिनट में ही थका भी देंगे और उल्टा मुझे ठंड भी लगवाएंगे। सो लेट्स हिराबी का देखना जरा, इधर फुल कंबल वाली सॉक्स पहन रही है। मजे की है ये मैं इसी काम के लिए लाई थी, मुझे था वहाँ एक्स्ट्रा ठंड होगी, अब हमने पाकिस्तान से ये लेके आए। वाह, अब हम ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन में निकलेंगे बाहर, ठीक है, गर्मी लगना शुरू हो गया पहन के। तो गाइस अब यहाँ पे मेरी अम्मा मेकअप करके, देखिए यहाँ पे सारा गन डाल के, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ हम अपना मेकअप जोड़ेंगे और हम अब फाइनली पार्क हो चुके हैं और निकल रहे हैं। ये सारे फैंस को राबे की तरफ से उल्लू, मेरी तरफ से हम फातिमा की पॉकेट से, ये वही है वाली है फातिमा, देख लो अल्लाह ने जब राबे को कैसे दिया, मैं भूल गई थी फातिमा की कोट से, राबे को लगा पाकिस्तान में रह गए, लेकिन ये कोट पहन के गई थी उधर, यही पहन के गई। ओह माय गॉड, मैंने वो किया, लेट्स गो जल्दी 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 यार, यहाँ की लाइट नहीं ऑन हुई। बारी 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 ऐसे ऐसे मुर्गियों के डर से मैं मुर्गियाँ नीचे भेज रही हूँ। चलो थे मामा आ रहे हैं, पापा मामा आ रहे हैं, बेटा तुम लोगों को पता लगेगा जब तुम लोगों ने यही स्टेयर्स चढ़ के वापस आना है, हम यही वाले शूज़ पहन लिए गए वहाँ लिफ्ट के लिए। यार ये है ना, गिर जाओगी नहीं, डोंट डू दिस। वैसे यहाँ पे ज़ैनब कुछ कह रही है, जी थैंक यू को टर्किश में कहते हैं तशकुला, तशकुले नहीं, ये क्या मतलब, दिस गाइस दिस इज द स्ट्रीट, ओ माय गॉड व्हाट अ कूल ब्रीज। आप अभी निकली हो, मैं दो बार निकली, जब से आई हूं मैं, ओए केटू केटू प्लीज इसको पीछे कर दो, मुझे डर लग रहा है, मम्मी के पास आई है वो, पीछे पीछे बिल्ली, इधर नहीं आना, मम्मा ही पीछे आ रही है, साथ इनकी तस्वीरें पिक्चर्स शुरू हो गई हैं। चलो गाइस थैंक यू के तशक्कुले के अलावा तशक्कुला और हेलो को भी देख लो, हां तो कितनी प्यारी वाइब आ रही है यार। ओके गाइस, तो यहां पे पापा को उन्होंने रोक लिया, कहने यहीं से ही हमारे इसी होटल से ही आके ओटमान्स किचन, अच्छा काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब है और पीपल आर ईटिंग हियर, थैंक यू बाय। अब हम कुछ और देखते हैं। ओ ज़ैनब को पहचान लिया ना, शी इज़ माई सिस्टर, ओके पहले दो दफ़ा चाय पी के आई है, थैंक यू। देखना यहाँ पे हर कोई आके इधर ज्ञान बांट रहा है, इधर आके खाना खा लो, इधर आके खाना खा लो, बट वी आर लुकिंग फॉर सम गुड शॉपिंग पॉइंट्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें, फिर हम देखते हैं कि क्या करना। मामा मुझे लगा आपका ना बैग रह गया इधर, तो मैंने कहा हाय अल्लाह मामा का बैग इधर क्या कर रहा है, बाद में पता चला नहीं ये तो उन्हीं का अपना बैग है। सो यहाँ पे ये खाने की टेबल्स जो हैं सेट की हुई टर्किश काइंड कल्चर में, कितनी प्यारी लग रही हैं, तमाम तमाम हाय दे, देखते हैं यहाँ का कुछ
मेन्यू वगैरह देख लेते हैं क्योंकि हम वी आर लुकिंग फॉर सम फूड। जंक फूड टाइप कहीं से ढूंढो ना, ये देखो तुम्हारी शक्ल भी जंक फूड है। तुर्किश का पिज्जा बड़ा अच्छा था, पिज्जा खा लेते हैं, पिज्जा भी खा सकते हैं, इनकी सी फूड भी अच्छी है। बट इनका मटन और बीफ जो भी लैम्ब था मुझे नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद इधर का टेस्ट डिफरेंट है। पापा की तारीफ हो रही है, कह रहे कूल मैन, कूल मैन, कूल मैन। देखना जरा अभी यहाँ पे कुछ हमारा काम है, कोई रग लेने, बेल्ट लेनी है, क्या लेना है। अभी हम इधर से एक और रेस्टोरेंट पसंद आया और मेन्यू देख रहे हैं, हम इधर आ गए हैं कश्तावा कैफे, पता नहीं किस टाइप का, वैसे डिसाइड किया खाना क्या आप लोगों ने? यहाँ पे इसकी सेल्फियाँ चल गई हैं, खाना क्या है नहीं आइडिया। फाइनली यहाँ पे ना सब सेट होके बैठ चुके हैं और पापा जी वो पीछे टेबल पे खाना खा रहे हैं ना, मुझे वो पसंद आया, मैंने ना इसे पूछना है कि उसका क्या है, क्योंकि वो आई थिंक वैसे राइस है और साथ में बारबेक्यू है। नहीं इन्हीं से पूछेंगे ना, प्लीज बता दो कौन सी है। थैंक यू, ये ले जान रहा पे इज्जत बख्श रही हूँ, ले लो। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन्यू खोली और डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगवाएं क्या मंगवाएं। तो मैं तो वैसे सी फूड ट्राई करना चाह रहे हैं इनका, क्योंकि इनका यहाँ पे सी फूड है, तो यहाँ से डायरेक्ट पकड़ पकड़ के मछलियाँ बनाते हुए तो देखते क्या मंगवाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक सो, ऐसे ये क्या है मुझे नहीं पता है, आई थिंक ये ऑलिव्स है। लेट्स ट्राई क्या दिया, ब्लैक ऑलिव, इनका टेस्ट मुझे लग रहा अच्छा होगा। ओके गाइस, तो फाइनली बहुत सारे वेट के बाद सबसे पहले हमारे आए हैं गार्लिक बटरी प्रॉन्स, और ये क्वांटिटी में इतने थोड़े क्यों हैं, इन्होंने मुझे ज़्यादा मंगवाने नहीं दिए। एंड देन वी हैव चिकन पिज्ज़ा, देखा अच्छा किया ना, बड़ा मंगवा लिया, बड़ी क्वांटिटी में हमने ये मंगवाए हैं, रिसोटो राइस, पिज़्ज़ा भी खाओ, लैम्ब शैंक्स, शिंग चैंग, पता नहीं क्या इनके, वैसे तो शैंक्स हैं ये। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये राइस और साथ में प्रॉन्स मंगवाए हैं, इनका टेस्ट इतना यमी है, इतना यमी है। रिजोटो राइस कुछ लगा दाल है, तुम दाल समझ के खाओ, इट्स टू यमी। ये देखना जरा, आई नहीं रहा मेरे पॉकेट, आई नहीं रहे तुम्हारे पेट में जाना। ओके गाइस, तो यहाँ पे सब ने ना खाना सादा खा लिया है, ऐसे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एज यूजुअल ज़ैनब पापा से डांट खाते हैं, और मुझे लग रहा है हमने ये ट्रिप प्लान से इसलिए किया ताकि यहाँ के ज़ैनब डांट खा सके। हाँ, इसकी भी एक हिस्ट्री है, हर दिन अभी हमने मंगवाया है यहाँ की स्पेशल कहवा वाली टी, और उसका भी आपको रिव्यू देते हैं। वैसे तो बड़ा मैंने इंटरनेट पे हाइप सुनी है, सुनी नहीं देखी है कि भाई बड़ी मज़े की, बड़ी मज़े की, सुन लेते ठीक है इनकी ये वाली टी कैसी है। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव फेमस टर्की की टी, हम लोगों ने वैसे कुछ कुछ मंगवाई है, फिर भी जिसने पीनी है, क्योंकि पहले टेस्ट नहीं किया, तो पहले टेस्ट कर दें फिर आपको रिव्यू देते हैं, फोटो लेने का भाई। ओके गाइस, तो कहवा पापा ने टेस्ट किया कैसा है, रिव्यू दें, बेस्ट मामा आप बताएं, आपने भी टेस्ट किया? मैंने तो सुबह पिया था, बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने दोबारा मंगवाया। ओके भाई, सबको पसंद आ रहा है, ज़ैनब ने तो टेस्ट किया हुआ है, एक और चीनी दो, पसंद नहीं आया, मीठा, इसके नाक में नहीं कुछ बैठता रहा। ज़ैनब तुम्हारा क्या रिव्यू है? मैंने फीका ही पिया था। और कैसा था? अच्छा था। और मैं भी अब टेस्ट करने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि भाई कैसा है, ठीक है? ओहो यम्मी, मैंने पिया हुआ है पहले भी, अरे ये नॉर्मल चाय है, वही तो पत्ती के अंदर पानी का हवा है। हाँ ये तो वही है, अच्छी है, मज़े की है गाइस। ओके गाइस, तो सबने खाना खा लिया, अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी और बहुत मार्केट विजिट करते हैं और फिर चलते हैं घर, आराम से सोते हैं। मेरी दोनों बहनें मेरे पीछे लड़ रही हैं कि ये मेरी बेस्टी और ये मेरी बेस्टी है, रोड पे जाना, ट्रक निकला है जी जी जी। और अब हम लोग किधर जा रहे हैं वैसे पता नहीं, अब हम वैसे होटल वापस जा रहे हैं और ठंडी हवा चल पड़ी है। राबिया, दो दो राबिया एक ही फ्रेम में, ये भी राबिया वो भी राबिया, यहाँ पे पिक्चर सेशन चल रहा है। हाँ, ओ पापा कह रहे हैं वो ज़ैनब है, वो राबिया नहीं है, पापा इस टाइम ज़ैनब की पुर जोर तारीफ करते हुए। चलो अब हमने भी पिक्चर लेनी है। ओह माय गॉड, वो कह रहे हैं इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, काटते नहीं है, देख के राबिया मुझे डर लग रहा है, ठीक है नहीं पता बट मुझे डर लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, ये दूर से मुझे डर लग रहा है। तुमने उन्हें थोड़ा सा प्यार किया है ना, इसलिए वो तुम्हारे पास आ गए।
राबे एक ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, कितना क्यूट है। यहाँ पे ज़ैनब को अपना फ्रेंड मिल गया टिडूसा, ये बड़ा चलाक है। मैं देखना जहाँ जहाँ चल रही है मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मामा हेडफोन नहीं है उसको, कोई मार्क है कान पे। मैं कह रही थी कान में हेडफोन लगाए जी, वो गाने सुन रहे हैं। फातिमा के हालात देखें, इसे कुछ एक्स्ट्रा ही ठंड लग रही है। आवाज आ रही है ना, तो मैंने इसीलिए पर्दा कर दिया जी। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है इतनी ठंडी हवा ना अच्छी लगती है, मजे वाली, मजे का मौसम है। और यहाँ पे माएँ बेटियाँ आ रही हैं, पीछे पापा और दो चलाक औरतें आ रही हैं। अब किधर जाने? सीधा हाँ, ऐसे सुबह उठ के आएंगे यहाँ पे, बाजार शाजार विजिट करेंगे। अभी तो बस खाना खा के अब घर जाके थोड़ा सोते हैं, बहुत लंबी फ्लाइट थी, थक गया, तो अब जाके रेस्ट करेंगे। कब बोले पिक्चर ले लें? कैन यू क्लिक अ पिक्चर? द होल फैमिली पिक्चर। थैंक यू। एंड वी ओनली नो वन वर्ड, हाय दिल इन टर्किश। हाय दिल, डू यू नो टर्किश? बहुत चंगा ना। हाय दिल, हाय दिल, हाय दिल, आर्ट द रूल फेमस। हाय दिल, हाय दिल, हाय दिल। टर्किश को क्या हो गया? डू यू टर्किश? आर यू टर्किश? मम्मी हंस रहे हैं। आई गॉट यू कंफ्यूज्ड एट द टाइम। योर इंग्लिश ग्रेट इज वेरी बैड। बट से व्हाटएवर यू वांट टू से राइट नाउ, आप जान के कर रही है। हाय दिल, उनकी इंग्लिश इतनी वो नहीं है, तो हम लोग भी थोड़ा कम्युनिकेशन हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़े बहुत हम टर्किश वर्ड बोले, लेकिन उन्हें वो भी नहीं आया। सबके पास जाके मैं एक लाइन बोल दिया, बहुत चंगा है ना, बहुत चंगा है ना। मैं चला, हम पिक्चर्स लेते हैं, सब इकट्ठे हो जाओ। क्या बोल रही है? हमारी अपनी टर्किश लोगों से बंगाली ले सकते हो। भाई अब हम लोग पापा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बगैर छोड़ डाले अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे और भी रूम्स हैं, तो वो सब सो रहे हैं। और गाइस इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने वहाँ खड़े होकर मेरा इतना मजाक उड़ाया कि हिरा ने बोला डू यू टर्किश, डू यू टर्किश। मैंने बोला डू यू नो टर्किश, और वो वीडियो में पीछे लगा भी हुआ है कि मैंने डू यू नो, मैंने एक टर्किश से आप ये क्यों पूछ रही हो कि डू यू नो टर्किश? उसको तो आती होगी टर्किश। क्योंकि उसको मैंने उसको हाई दिला बोला, वो कंफ्यूज हो गया ना, तो अच्छा, पापा ने फिर आ जाना सीख लिया। हाँ वो कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कहा टर्किश, और इनको लगा कि मैंने नो खा गई हूँ। और जी तो आपने क्या बोला? क्या वो तो मैंने बात भी कट की। वो कहता है कि यू वांट फूड, फूड कहता है यू वांट फूड, फूड। मैंने कहा नो नो, फूड माय फूड इज कमिंग इन माय रेस्टोरेंट। आई बाइंगन ज़ैनब का रेस्टोरेंट इधर टर्किश। हमने कल निकलना है टर्की विजिट करने के, टर्की विजिट इस्तांबुल विजिट करने के लिए। और हम अपने कपड़े वगैरह कल जो भी पहनना है वो आज रात ही निकाल के रखते हैं। और मैंने बस, मेरे दिल में बात उबल रही थी कि मैंने कहना था कि मैंने डू यू टर्किश नहीं बोला, मैंने डू यू नॉट टर्किश बोला है। और किसी को अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ रिपीट पे जूम करके सुने। मैंने खड़ा कर दो दफ़ा सुना, इन्होंने मेरे इसके सामने खड़े होकर बेइज्जती की, कहती है हिरा आपने बोला, और वो भी हंसना शुरू हो गया। हम जा रहे जाते जाते कहता है डू यू टर्किश। यार इतनी बेइज्जती कराई है, मैंने हिम नहीं, मुझे लगा तुम्हारी जगह पापा खड़े हुए, इसलिए मैंने तुम्हें हिम बोल दी। फिर मैंने कहा ये तो ज़्यादा ये एक तो मैं क्या कहूँ, मिनी मिनी गर्ल्स। नहीं मैं डिफेंड नहीं करी, बट क्लिप देखा, मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ तो भाई मुझे कुछ होना चाहिए ना। टिंग फुंग टिंग, नहीं नहीं मेरी निकल आती है, सही निकल आती है, बट इन लोगों ने मुझे जलील किया उसके सामने। मुझे गुस्सा नहीं आया, तुमने कह दिया करेक्ट कर दे, कर दो। वहां जाके वो मुझे जाते जाते छेड़ रहा है डू यू टर्किश। भाई ठीक है, सही है। शिंचला, अच्छा राबिया का नाम है शिंचला, हम सारे कॉमेंट में राबिया के लिए करेंगे शिंचला शिंचला शिंचला। कल तैयार होगी ना प्यारी सी, कल मैं भी रेडी होने वाली हूँ ये, और बहुत सारी एक्साइटिंग जगहों पे हम लोग जाएंगे। उसके अलावा कल जो भी होगा हम आपको अगले किसी बंदे के नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो ओके गाइस, तो यहाँ पे ये सारा आते साथ जो है ना, इन सब ने मैस फैला दिया। मैं 11 कपड़े लेकर आई थी, एक भी स्टाइल अच्छा नहीं। मेरे साथ भी ये हुआ, मैं इतने ज़्यादा कपड़े लेके आई हूँ और देख के लग रहा है यार नहीं ये भी नहीं पहन सकती, ये भी नहीं पहन सकती, और इस लग रहा है कुछ भी हम अच्छा नहीं लाए हैं। सब कल के लिए, कल क्या पहनना है, सब ने अपनी अपनी चीज़ें फैला दी हैं। इस टाइम पापा हमें कह के गए हैं कि सफाई करके सोना है, शोर नहीं करना। लेकिन एज यूजल ये भी अपना पैकेज रेडी हो गया,
करना अभी और बल्कि नई मैं स्कर्ट वाला आउटफिट पहना हूं एकदम हीरो एंड कूल बॉय लगूंगा कल मैं भी हीरो एंड कूल गर्ल लगूंगी इसके ऊपर मेरा कूल बॉय लगेगा गाइस रबा के सारे पैकेजेस मैंने आपको अभी दिखा लिए हैं देख लें ये इस ट्रिप में सब बस यही पहनने वाली है मेरे पैकेज भी आपको दिखाती हूं मेरे पैकेज ये पड़े हैं सारे ओके गाइस तो आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूं अंजलि से फ्रॉम कुछ कुछ होता है वाली अंजलि रिमेंबर दैट ये बैठी हुई है मैं कहां से अंजलि लगी यार तुम्हारे बाल अंदर घुसे हुए ना जैकेट के अंदर वैसी लग रही है इतने ज्यादा लेके और जब मैं देखी ये भी किसी काम का नहीं है किसी काम का मेरा कोई बैग नहीं खोल रहा है पीछे मेरे बैग्स पड़े हैं मैं ठीक है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ मेरे बैग्स को विदाउट मेरी परमिशन भी खोल नहीं सकता ये ट्राउजर पहनने के लिए ये वाला पहन लेती हूँ ना ब्लैक हाँ ये ज्यादा अच्छा है ये वो लोग हैं प्रॉब्लम भी खुद ही क्रिएट करनी है और बाद में सोल्यूशन देके खुश हो जाना है वाओ आई अचीव समथिंग सो यू नो राबा का चलता है ये सब चीजें चलता रहता है ओके गाइस सो इन सब चीज़ों के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे ही खत्म इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो